बहुत दिन तले गोटे गाँव में एक भूत प्रति राति किछि परिबा धरी से गाँव में बुलुथिला। परिबा निओ परिबा, ताजा ताजा परिबा। जे भी परिबा किणिबा पई घर बाहरुथिला से भूत ताको धरी ता सांगरे नै जाउथिला आउ ताको मारि देउथिला। गाँव लोके एक कथा जानिला परे राति रे आउ केही घर बाहरिले नाही। एमिति गोटिए दिन शीला नामक एक महिला ता स्वामी राजेश सांगरे से गाँव को नुआ करी रहिबा को आसीथिला। राजेश कामरे सबुबेले व्यस्त रहुथिबा जोगु शीला घरर छोटो मोटो जिनिस निजे ही किणुथिला। एमिति दिने संध्यारे शीला गाँवर एक स्त्री लोक को पचारिला, अरे भौणी आम घरे परिबा सरी जाइछि, एठि कोठी परिबा मिलिबो कहि पारिबे कि? अरे संध्या होगलाणी परा, परिबार ना काहीकि धरुछ? हेले कौन पाई? राति रे तरकारी पाई मोर किछि परिबा दरकार थिला, सेति पाई तमको पचारुथिली। लागुछि तमे बधे गाँव को नुआ आसीछ। प्रति राति रे आम गाँव रे गोटे भूत परिबा धरी बुली बुली बिक्री करे। जिए भी घर बाहरी ता पाखरु परिबा किणती से ताकु ता सांगरे नै मारि दिए। अरे तमको मजा करिबा पाई मु ही मिलिथिली, एईटा कौन संभव? भूत प्रेत दुनिया रे किछि न थांती, ए सब मिछ कथा। एमिति शोभा से स्त्री लोकर कथा को विश्वास न करी घर को फेरी आसिला। से दिन सिला आलू तरकारी करी रातिर खाइबा तयारी करि देला। पर दिन सकाळे मार्केट रो परिबा आनिबा पई तार मने रहिलानी। जेते बेले तार मने पड़िला संध्या हेई जाइथिला। शीला तरतर ही घर बाहरुथिला, हठात ताकु दूररु गोटे परिबा बिकाळीर शब्द शुभिला। परिबा नियंतु परिबा, ताजा ताजा परिबा। शीला अटकी गला आउ से परिबा वाला पाखकु गला। शीला ताकु अटकाई परिबा मागिला, हेले जेते बेले से परिबा वाला को देखिला से चमकी पड़िला। भूत, अरे गाँव लोके तो ठीक कहते, बचाओ, अरे किए कौटे अच मत बचाओ। भूत हसिला आउ कहिला, हा ते रक्षा करिबा पाई एठा को केहि आसिबेनी, आज मु तर तरकारी बनेबी। एमिति कहि भूत शीला को उठे ता सांगरे नै गला। गाँ लोके एसबु देखुथिले मध्य भयरे केहि घर बाहरु नथिले। शीला बारंबार बंचाओ बंचाओ कहि चित्कार करुथिला, मते छाड़ी दियो, मते मारनी, मु आउ केबे भी परिबा किणिबिनी, मते तो मो भौणी भाभी तो छाड़ी दियो। भौणी ना सुनी भूत अटकी गला आउ शीला को ओल्ही देला। मु एसबू मो भौणी पाई ही करुची। माने कौन हेतला आपन को सांगरे? बहुत वर्ष तले मु मो सान भौणी सह मिसी ए गाँ को परिबा बिक्री करिबा को आसुथिली। आमर बापा मा नथिले, थरे भीषण वर्षा जगु नदी रे बहुत पानी आसीथिला। मो भौणी रो गोड़ खसी से नदी रे पड़िगला, ताकु बंचेबा पाई मु भी नदी को डेई पड़िली। मु मो भौणी को बहुत खोजिली हेले पाइलिनी। ए गाँ लोक को बहुत समय जाए मु साहाज्य मागिची, हेले गाँ लोके केही भी आमको साहाज्य करिबा पई आसिलेनी। मु आउ मो भौणी से नदी रे बुड़ी मरिगलु। सेबे ठारु मु ए गाँ लोक पाखरु मो भौणी मृत्युर प्रतिशोध नेउची। आरे रे आपण को सह तो बहुत अन्याय हेची, मु आपण को दुख बुझी पारुची। काहेकि ना गोटे नदी बढ़ी रे मु भी मो भाई पाखरु अलग हेई जाइथिली। मु भासी भासी गोटे गाँर नदी कूल रे लागिथिली। से गाँर मुखिया मते तांको झियो करि पाळिथिले। एमिति शुणी भूत शीला को तार बाँ हाथ देखेबा पई कहिला। शीलार बाम हाथ रे गोटे चिन्ह थिला, भूत भी तार बाँ हाथ देखेला, तार भी ठीक सेहिबळी चिन्ह थिला। ता माने तू मो भौणी मुनि, तू बंचिचु? एमिति कहि भूत कांदिबा को लागिला। शीला भी ता भाई को धरी बहुत कांदिला। भाई ता माने तमे मो पई एमिति करुथिला? हाँ भौणी, मु तो भाभीथिली मु तते सबो दिन पई हरे सारिची, तू बंचिचु जानी मु बहुत खुशी, एबे मते एठारु मुक्ति मिलिजिबो। सेमानकर सबु कथा गाँ लोके शुणुथिले। सबु गाँ लोके बाहर को आसिले
आउ भूत को साहाज्य न करिबा पई ताको क्षमा मागिले। भौणी को सुरक्षित देखि से भूत भी समस्तक क्षमा करिदेला। आउ तापरी सबु गाँ लोके मिसी भूत को मुक्ति देबा पई एक यज्ञ कले। भूत को मुक्ति मिलिगला। से दिन ठारु परिबा पाला भूतर आतंक से गाँव रहिलानी। हरे गोटिए गाँव रे राम तार स्त्री कविता आउ तार भौणी रुचि सांगरे रहुथिला। रामर भौणी रुचि को सजे हेबा पई बहुत भल लागुथिला। से घंटा घंटा धरी आईना आगरे बसी निजर मेकअप करुथिला। एसबु तार भाउज को जमारु भल लागुनथिला कारण रुचि निजर मेकअप सामग्री किणिबारे बहुत गुड़िए टंका खर्च करि देउथिला। गोटिए दिन कविता राम को कहिला, अरे शुण न तुम टिके रुचि को बुझाओ, से प्रति सप्ताह रे नुआ नुआ ड्रेस आउ मेकअप बॉक्स किणुची, सेगुड़े से केते टंका खर्च कर सारा, दिन सारा खाली आईना आगे बस सजी हो घर सब कम एकुटिया करी करी थकी जाउची, ताकु टिके कुह से मते घर कम साहाज्य करू। अरे कविता रुचि को पिला दिन रु ही सजे हेबा को भारी भल लगे, सजे हेबाटा तो किसी खराब कथा नुह, तू टंका कथा चिंता करनी, गोटिए बोली भौणी मोर तार जहा पसंद से करू, आउ बाकी रहिला घर कम, तू से व्यस्त हैनी, मु गोटे कम बोली देखुची से तते घर कम साहाज्य करदेव। एमती कही राम सेठारु चलीगला। ए भाई भौणी दुईटा को बुझेबाटा पूरा बेकार, छाड़ मोर कौन जाऊची, चल मु कम करे। थरे सन्ध्यारे राम निजर काम सारी घर को फेरुथिला। फेरिबा समय रे गोटी भंगा घर पाखरे तार स्कूटर आपे आपे बंद होगला। राम गाड़ी स्टार्ट करने को चेष्टा कला, हेले गाड़ी स्टार्ट हेलानी। से गाड़ी रु ओल्ल चारिआड़ को देखिला, सेठी गोटे भंगा घर देखि राम से घर भितर को चलीगला। से घर भितर केही भी नथिले। राम से घरे गोटे सुंदर आईना देखिला। राम से आईना को देखि भाविला, ए घरे तो केही भी देखा जाऊ नहंती, ए आईना कहार, रुचि बहुत दिन रु मते एभली आईना आनिबा पई कहूची, हेले मते तो समय मिलुनी, ए आईना जदि मु रुचि को देबी से बहुत खुशी हे जीव। एमिति चिंता करी राम से आईना धरी घर को चली आसिला। घरे पहुंची राम से आईना रुचि को देखेला, आईना बहुत सुंदर हे छी भाई, मु तमको एमिति हे आईना आनिबा को कहितिली। आईना पाई रुचि बहुत खुशी हेगला, आउ ता रूम रे रखिदेला। रातिरे सोइबा पूर्वरु रुचि आईना आगरे जाई छिड़ा हेला। हठात से निजर मुंडकटा शरीर देखि खूब डरीगला, आउ जोरे चित्कार कला। तार पाटी शुणी राम आउ कविता सेठाकु चली आसिले, भाई आईना भितरे के अच्छे, जेते बेले मु आईना सामना को गली सेथिरे मो मुंड देखा जाउनी। हेले राम पाखकु जाई देखिला आईना पूरा ठीक अछि। काए आईना रे तो सेमिति किछि देखा जाउनी, राति बहुत हेलाणी, तते सेमिति लागिथिबो, जा सोई पड़िबु। एमिति कहि रुचिर भाई भौज सेठारु चली गले। रुचि भी ता भाई कथा मानि सोइबा पई चली गला। से बेड रे बसी मोबाइल धरिथिबा समय रे हठात गोटी गर्जना शुभा गला। रुचि खूब डरी गला, से टिके साहस करी आईना सामना को गला। हठात से आईना भितरी एक पिशाची को देखिला, सेतेबेले गोटे हाथ बाहर को आसी रुचि को आईना भितर को नेई गला। रुचि आईना भितरु बंचाओ बंचाओ कही पाटी गला, हेले तार पाटी केही भी सुनी पारिलेनी। एमिति सकाळ हेला, राम ओ कविता जलखिया खाइबा पई बसीथिले। अरे रुचि कोड गला, से कोन एजै उठिनी, से महाराणी रो काम कोन की आईना अगर बसी सजै होतबो, रुह मु डाकी आणुची। राम आउ कविता रुचिर रूम को गले, हेले रुचि सेठारे नथिला। रुचिर सबु जिनिस एपटे सेपटे ही पड़ीथिला। अरे रुचि कोड गला, काली रातिरे घरे चोर पसि नथिले तो, हे भगवान से चोर माने रुचि को सांगरे नै जाई नहंती तो। सेतेबेले कवितार नजर से आईना उपरे पड़िला। से आईना पाखो गला, आईनारे रुचि देखा जाउथिला। कविता राम को कहिला, ए जी टिके एठा को आसिलो, अरे देख आईनारे मो पूरा रुचि भली देखा जाउची ना। राम मध्य आईना सामना को गला,
आरे सतरे तो ए आईनारे मु भी ठीक रुचि भली देखा जाउची। रुचि भितर थाई सब देखुथिला। आरे मूर्ख दल तमे माने मो भली देखा जाउन, मु आईना भितर अछि, मते एठार बाहर कर। एमिती कही रुचि तार हात हलैला, ता द्वारा रामो जानी परिला रुचि आईना भितर अछि। आरे कविता आमे रुचि भली देखा जाउने, रुचि आईना भितर अछि। हे ए रुचि आईना भितर को केमिति गला? ठीक सही समय रे गोटे पिसाची आईना रे बाहरिला आ रुचि सहित सेठारु गायब हे गला। ए सबु देखि रामू आ कविता खूब चोरी डरी गले। अरे देखिला ना आईना भितर गोटे पिसाची अछि, सेही रुचि को आईना भितर को नै जैतिबो। हाँ हेले आमे बे करिबा कोन? तमे व्यस्त हुअनी, गाँ पाख मंदिर रे जणे साधु बाबा अछंती, तांकु ए विषय रे कहिबो जाओ। एमिति रामू से साधु बाबा को पाख गला। सब घटना जानिला परे से रामू सह तांको घर को आसिले। साधु बाबा किछि गंगा जल से आईना रे छिंचि देले, आईना भितरु गोटे पिसाची बाहरिला। किए तो एमानो को काहे के हैरान करुचु? कहुचि मु सब कहुचि, मते मारनी, मु कहार भी क्षति करबा को चाहेनी। बहुत दिन तले किछि कारण न थई गोटे तांत्रिक मते आईना रे बंदी करि देथिला। बहुत दिन रु मु से भंगा घरे पड़ी, मु आईना भितर बहुत चित्कार करी थिली, हेले मोर पाटी केही सोनी पारिलेनी। ए रामु मते सोनी मो आईना को एठा को नै आसिला। मु एमानु को डरी थिली केवल आईना भांगीबा पई, मु भाबुथिली एमाने डरी आईना को भांगी देबे, आईना भांगिले जाई मु एठारु मुक्त होई पारिबी। जदि तमे माने आईना को भांगी मते मुक्त करि देबो, मु सबुदिन पई एठारु चली जिबी। ठीक अछि आमे आईना भांगी देबु, प्रथमे तु रुचि को आईना भितरु बाहर कर। पिसाची रुचि को आईना भितरु बाहर करि देला आउ तापरे सन्यासी से आईना को भांगी देले। आईना भांगीबा फळरे पिसाची सबुदिन पई सेठारु चली गला। साधु बाबा रामुर घर को पवित्र करी सेठारु चली गले। से बेठारु पूरा परिवार खुशी रहिले।